भाई रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, राणा रघुवती, फहाद फासिल की एक मूवी आ रही है। हाँ, ये तगड़े स्टार कास्ट के साथ एक मूवी आ रही है, विद द हंटर, जिसमें रजनीकांत लीड रोल में है और वो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जो कि भाई किसी को भी मतलब बख्शता नहीं है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उस पर जो इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, उसके काम करने के तरीके पे जो इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, उस इन्वेस्टिगेशन को लीड करेंगे अमिताभ बच्चन। इसमें राणा रघुवती भी है जो कि एक पावरफुल विलेन का कैरेक्टर या किरदार निभा रहे हैं। वो देखने वाली बात होगी कि मतलब वही है या दूसरा है। और फहाद फासिल का भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि वो भी विलेन के किरदार में ही नज़र आने वाले हैं। ओ, बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर ठीक ठाक लग रही है। वो टिपिकल रजनीकांत वाली जो मूवी है वही है। उसमें कुछ ऐसा तुमको एक्स्ट्रा अदर देन दैट कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियसली इतने बड़े तगड़े एक्टर्स हैं तो परफॉर्मेंस जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो परफॉर्मेंस वगैरह बहुत सॉलिड मिलने वाला है। ट्रेलर में हमें बताया जाता है कि रजनीकांत एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनको ऐसा चार्ज दिया गया है कि भाई जो मर्डर्स लड़कियों के हो रहे हैं तुम उसको जा करके सॉर्ट आउट करो और एकदम ख़त्म कर दो, कि लाइक यू गो एंड जस्ट इनकाउंटर ऑल ऑफ देम, जो कि एक्शन सिक्वेंसेस वगैरह प्रोवाइड करेंगी, वो कहानी का बेस लाइन होगा हमारा। फिर वो काम कर रहे हैं अपना जो मर्डर वर्डर का, इलीगल तरीके से सबको मार रहे हैं। उसका जो इन्वेस्टिगेशन बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन को लीड करने आएंगे अमिताभ बच्चन, मतलब रजनीकांत वर्सेस अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर होगा। और इसमें जो विलन्स हैं, जो बैड गाइज वाले रोल हैं, वो निभा रहे हैं राणा रघुपति और शाहिद फहद फासिल। अब वो उसके साथ मतलब ये जो इंटरफेरेंस इंट्रैक्शन वगैरह होगा एक दूसरे का, इन कैरेक्टर्स का, वो देखने में इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि परफॉर्मेंसेस हर एक्टर जो इसमें इन्वॉल्व है वो एकदम पीक लेवल का देने वाला है। हाँ, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसका डायरेक्शन उतना सॉलिड होगा, क्या इसकी कहानी उतनी सॉलिड होगी। स्टार कास्ट है एंड दैट आई गॉट इट, बट लाइक अगर तुम्हारा वो एंटरटेनमेंट, वो पावर पैक वाला जो कहानी है वो नहीं होती है तो तुम बहुत कुछ लैक करते हो, तुमको बहुत कुछ लगता है कि मिस कर गए ये लोग, क्योंकि कहानी बेसलाइन होती है और वो किसी मूवी का अच्छा बुरा 80% तक वही तय करती है, बाकी 20% में सेट पीसेस वगैरह एक्टिंग वगैरह आ जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा कहानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है या तुम्हारी जो स्क्रीन प्ले है वो तगड़ी तरीके से नहीं, ग्रास्पिंग नहीं लिखी गई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लैक करती है। तो बाकी मेरे को ट्रेलर ठीक ठाक लगा, जो टिपिकल रजनीकांत सर की मूवी होती है वो वही है, उससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें भी म्यूज़िक जो है अनिरुद्ध ने ही दिया है और भाई बंदा अच्छा खासा म्यूज़िक तो देता ही है, तो ठीक है, मतलब ठीक है, देख सकते हैं। मज़ेदार होगी नहीं होगी वो तो बाद में पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बातें कर सकते हैं। तुम्हें कुछ आइडिया चाहिए मूवीज़ वगैरह का तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।